सतविंदर सिंह टिम्मी व उसके साथ दर्जनों पदाधिकारियों ने दिया अपने पदों से इस्तीफा। सतविंदर संधू ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस महासचिव व पानीपत जिला प्रभारी के पद से इस्तीफा देता हूं। आज मैं पार्टी में कार्यकर्ता की हैसियत से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी व प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कार्य करता रहूंगा। कमेटी में, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में गया। उस इलेक्शन कमेटी में 60 सीटें फाइनल हो चुकी थी जिसमें मेरा नाम था। उसके बाद 4 घंटे जो 10 जनपद में मीटिंग चली, बाहर पे कुछ लोग प्रदर्शन भी कर रहे थे, लेकिन माननीय कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी की तबीयत उतनी ठीक नहीं थी, तो वो 4 घंटे मीटिंग करके वहां से अहमद पटेल जी को ये कह के भी आप 15 नंबर कोठी है रकाबगंज रोड जो है वहां पे वॉर हाउस है कांग्रेस का, भी वहां पे मीटिंग कर ली। अब मैं जो पॉइंट कहने जा रहा हूं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चेयरमैन रहा, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का मैं नेशनल काउंसिल मेंबर, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है यूथ कांग्रेस की, उसका मेंबर रहा। 4 स्टेट्स का मैं प्रभारी रहा, J&K जहां टेरिस का बोलबाला था और कोई वहां नहीं जाता था। मैं वहां जाकर 5 दिन लेकर उस वक्त के ऑल इंडिया अध्यक्ष मनिंदर सिंह बिट्टा जी का वहां प्रोग्राम किया और उस बात की हर जगह चर्चा थी। हिमाचल का मैं अध्यक्ष रहा, ऑब्जर्वर रहा। हरियाणा का होने के नाते फिर भी मैं हरियाणा का यहां इंचार्ज रहा, ऑब्जर्वर रहा। पिछली इलेक्शन में 42 असेंबली सीटों का वेस्टर्न यूपी में मेरे को इंचार्ज बनाया गया, जिसकी डायरेक्ट रिपोर्ट राहुल गांधी जी को मैंने दी, सातव हमारे आईवाईस के चीफ थे उनको दी और भंवर जितेंद्र सिंह जी को उसकी रिपोर्ट दी। 7 पार्लियामेंट जो सीटें हैं उसका मैंने इंचार्ज रहा यूपी में, बदायूं, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहानपुर, पीलीभीत, ये सारी जो थे उनके हम वहां रहे। इसके आगे जिस बार भी 2002 में जब अध्यक्ष नियुक्त का बनाया गया, तो 2004 के आखिर में जब इलेक्शन हुई, आप सब जानते हो, पत्रकार मेरे भाई ज्यादा जानते हैं कि कितनी यहां से वर्कर्स बसे भर के जाते रहे हैं, कोई प्रदर्शन हो। 3 बार मेरे को SC और स्टूडेंट की लड़ाई के लिए लड़ते हुए 3 बार हमें जेल में भेजा गया। 17 बार मैं दिल्ली, चंडीगढ़ और कुरुक्षेत्र में हमारी अरेस्ट हुई, लोगों जो हमारे साथी थे उनके साथ। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन का आदमी हूं, वर्कर हूं कांग्रेस पार्टी का, और दूसरी तरफ केवल और केवल मंत्री पुत्र है जिसके लिए उसको टिकट से नवाजा गया है, उसको टिकट दी गई है। कांग्रेस ने एक फॉर्मूला तैयार किया था जिसमें यह कहा गया था कि 75 साल से ऊपर जो है उसको टिकट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, और जो तीसरी बार हार चुका है, तीन बार हार चुका है, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। प्रदेश इलेक्शन कमेटी की जब मीटिंग हुई उसमें मेरा नाम और पहले जो यहां से पूर्व मंत्री था उसका नाम था, और एक और लड़का यूथ कांग्रेस में इस अहदेदार है उसका भी नाम। स्क्रीनिंग कमेटी में जब ये सब ऑन रिकॉर्ड है, स्क्रीनिंग कमेटी में जब ये नाम चले तो उसमें एस फैक्टर और जो पिछली बार यहाँ के पूर्व मंत्री ने लिख के दिया था भी उसकी हेल्थ नहीं ठीक है, दिल्ली के हॉस्पिटल PGI के हॉस्पिटल में सर्टिफिकेट लगाए थे जिसके कारण उसके लड़के को टिकट दी गई थी, वो पिछली बार है, तो वो सामने अपने आप वहां आ गए। तो वहां पे पहले ही सिस्टम में उनको ड्रॉप कर दिया गया।